नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह और मैं अभी मौजूद हूं सोनभद्र जिले के शक्ति नगर क्षेत्र में, जहां पर वहां के स्थानीय लोगों ने मिलकर के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज जो है तिरंगा यात्रा निकाला, जिस तिरंगा यात्रा का जिम्मेदारी वहां के स्थानीय समाजसेवी दीपक कुमार उर्फ लोकई ने उठाई। वहीं साथ में वहाँ के क्षेत्रीय जनता ने भी मिलजुल करके और बढ़ चढ़ करके जो है हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा जो है PWD से निकलते हुए शक्ति नगर बाज़ार और शक्ति नगर संडे बाज़ार जो है वहां से होते हुए सीधे जा कर के जो है ज्वालामुखी मंदिर के पास जो है तिरंगा यात्रा का जो है समापन किया गया। तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में लोग बाइक से व पैदल भी शामिल रहे। आपको बता दें कि पिछले साल भी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो है पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। हर घर में एक झंडा लगाने का जो है संकल्प किया गया था, जो पूरे देश में देखने को मिला था। उसी के तर्क पे जो है ये सभी लोगों ने जो है ये संकल्प लेते हुए कि सभी लोग अपने घर पे जो है एक तिरंगा जरूर लगाएंगे, उसके साथ ही इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर के और देशभक्ति के नारे के साथ जो है इस तिरंगा यात्रा को निकालते हुए ज्वालामुखी शक्ति नगर में ले जाकर के जो है इस तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। तिरंगा तरह जिसे क्षेत्र से निकलते गया उस क्षेत्र के लोगों ने भी तिरंगा यात्रा का काफ़ी स्वागत किया तथा वहाँ से भी कुछ लोगों की कारवा जो है इस तिरंगा यात्रा में जुटता हुआ चला गया, जिसके चलते आगे चलकर ज्वालामुखी मंदिर के जब समापन का समय आया तो उसमें जो है इस संख्या की वृद्धि जो है काफ़ी हो चुकी थी। और वहीं जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सभी लोगों के गाड़ी में एक एक तिरंगा झंडा लगा हुआ है और बड़े ही सम्मान के साथ ये सभी लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हैं